अस्सलामु अलैकुम डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश ओशन एंड ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड एडिशन न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 2, जो कि क्लास 2 के लिए है। बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। वेलकम to the video series of class 2. Yesterday we have completed all the translation of the unit 3, The Trap. Now it's time to solve this exercise. So yesterday we have completed the translation of this unit. हमने इसकी translation complete कर ली है unit 3 की। तो आपको description में हमारी उस video का link मिल जाएगा। Exercises, comprehension. Answer the following questions. दर्ज़ेल सवालात के जवाबात दें। तो सवाल शुरू करने से पहले, क्योंकि बच्चों ने ट्रांसलेशन कंप्लीट कर ली है, तो आपको चाहिए कि सवाल शुरू करने से पहले बच्चों के कुछ आइडियाज लें और उनको उनसे कुछ सवालात करें ताकि वो खुद उनके जवाबात दें। तो वी हैव प्रिपेयर्ड सम नोट्स, तो लुक एट इट, तो हम उसको देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई वाज द रोड अनहैप्पी? अनहैप्पी मीन नाखुश। सड़क क्यों, व्हाई क्यों नाखुश थी? पीपल वॉक एंड राइड ओवर इट। पेपर उसके ऊपर सैर करते हैं और राइड करते हैं, मतलब कोई भी चीज चलाते हैं, जैसे बाइक वगैरह होगी, इस तरह राइड ओवर इट। एंड थ्रो रबिश ऑन इट, और उसके ऊपर कूड़ा करकट भी फेंकते हैं। इस वजह से रोड क्या थी, वो अनहैप्पी थी। हाउ, कैसे डिड द पीपल हर्ट द ट्री? हाउ डिड द पीपल हर्ट द ट्री? दरख्त को तकलीफ, हर्ट, लोग कैसे पहुंचाते थे? पीपल हर्ट द ट्री, लोग जो हैं तकलीफ पहुंचाते हैं, बाय ईटिंग इट फ्रूट्स, उसके फल को खाकर, एंड कटिंग इट ब्रांचेस, और शाखों को काट कर, ठीक है? क्योंकि जब बच्चे जो हैं वो फल को तोड़ेंगे तो स्टोन जो हैं वो पत्थर भी थ्रो करेंगे दरख्त के ऊपर, तो उससे उनको तकलीफ होती है, ठीक है? ब्रांचेस मीन्स शाखें, कटिंग मीन्स काटना, ईटिंग खाना, और फ्रूट्स मतलब फल। आवर थर्ड क्वेश्चन इज हु, कौन लेट द टाइगर आउट ऑफ द ट्रैप? ट्रैप मीन फंदा, जाल से आउट बाहर किसने लगाला टाइगर को? हु, कौन था वो? द बॉय लेट द टाइगर आउट ऑफ द ट्रैप। तो हम हु को काट देंगे, तो उसकी जगह पे बॉय लगा देंगे, तो सारा जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो नीचे वैसे के वैसा लिखकर क्वेश्चन मार्क हटा के नीचे फुल स्टॉप लगा देंगे। हु पुट द टाइगर बैक इन द ट्रैप? किसने जो टाइगर है उसको दोबारा उसमें डाल दिया, ट्रैप में डाल दिया? द जैकल, जैकल ने मतलब गीदड़ ने, पुट द टाइगर बैक टू द इन टू द ट्रैप, उसको दोबारा जैकल ने उसमें डाल दिया है, फंदे में दोबारा डाल दिया है, ठीक है? डू यू थिंक दैट, क्या आप समझते हैं? द बुलडॉग वॉज वेरी स्ट्रांग, जो बैल है वो बड़ा स्ट्रांग है, क्या आप जो है ऐसा समझते हैं? यस We think that, हम ऐसा समझते हैं या सोचते हैं, the bullock was very strong, वो बड़ा मजबूत होता है, वो ताकतवर है, because it worked all day, क्योंकि वो तमाम दिन क्या करता है, काम करता है। Read the passage again, दोबारा चैप्टर को या पैसेज को पढ़ें, then say it. These sentences are true or false. तो चैप्टर को अगेन रीड करें और फिर दोबारा आप इनके क्या करें, जवाब दें, दोबारा रीड कीजिएगा।
बुलॉक्स वॉज पुलिंग अ कार्ट, क्या बुल्लॉक जो था वो कॉट जो है उसको पुल कर रहा था? नो, इट्स फॉल्स। द बुल्लॉक वॉज पुलिंग अ प्लफ, तो वो तो प्लफ को क्या करता है, खींच रहा था। द ट्रैप वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, ट्रू। द ट्री हेल्प द बॉय, नो, फॉल्स। द ट्री डिडंट हेल्प द बॉय, उसने उसकी मदद की नहीं थी। चैलेंज को सॉल्व कर लेते हैं। इफ यू वर इन द बॉय प्लेस, अगर आप लड़के की जगह पर होते तो वुड यू हैव हेल्प द टाइगर, तो आप टाइगर की मदद करते आउट ऑफ द ट्रैप, पिंजरे से बाहर निकलने की? तो इसका जवाब आपको देना चाहिए नो, इट कैन बी डेंजरस, नो, ये खतरनाक हो द सकता। बॉय वॉज नॉट वेरी ऑनेस्ट, लड़का ईमानदार नहीं था। फॉल्स, गलत है, लड़का तो ईमानदार था, जब क्योंकि वो शेर के पास दोबारा वापस चला गया। द जैकल वॉज वेरी क्लेवर, जैकल गीदड़ वॉज था, वेरी क्लेवर, बहुत ज्यादा होशियार, चालाक। यस इट वॉज, तो ये ट्रू है, ठीक है। वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्जों के साथ काम करना। यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। फ्रेंड, फ्रेंड मीन्स दोस्त। अकबर इज माई फ्रेंड, अकबर मेरा दोस्त है। इमीजिएटली, फौरन, फिल फोर। द टाइगर इमीजिएटली कॉट हिम, टाइगर ने फौरन उसे पकड़ लिया। रबिश, कूड़ा क्रिकेट। पीपल थ्रो रबिश ऑन द रोड्स, लोग जो हैं कूड़ा क्रिकेट जो है वो कहाँ फेंक देते हैं, सड़क के ऊपर। ऑफुल मतलब खौफनाक। द ट्रैप वॉज ऑफुल, जो फंदा वो क्या था, खौफनाक था। चूस, चुनना। द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, तो अवेलेबल हैं ये फोर, हमारे पास वर्ड्स अवेलेबल हैं, तो हमें ये वर्ड जो हैं इन ब्लैंक्स में क्या करना है, फिल करना है। द जैकल डैश टू हेल्प हिम, तो द जैकल डिसाइडेड टू हेल्प हिम। दे विल नॉट डैश टू सेव मी, दे विल नॉट अग्री टू सेव मी, तो वर्ड है डिसाइडेड एंड अग्री। दिस इज एन ऑफुल ट्रैप, आई कांट गेट थ्रू द बार्स, मतलब मैं इन बार से बाहर नहीं निकल सकता। पुट द फॉलोइंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स मीन्स ए बी सी डी, इसको तरतीब से हमने लिखना है। तो सबसे पहले आपको पता मालूम है ए बी सी में ए आता है, ए इज नॉट अवेलेबल इन दिस लाइन, तो बी है तो फर्स्ट में बी, फिर सी नहीं है तो फिर डी, बी फर्स्ट, डी सेकंड, के थर्ड। पार्ट का पी जो है वो सीरीज में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है, एस से पहले तो फोर और फिर फाइव। इसी तरह टॉल, ड्रिंक, नाउ, ड्रॉप और शर्ट में फर्स्ट ड्रिंक, फिर सेकंड जो है ड्रॉप, वो इस वजह से आया कि डी के बाद आर, इस यहाँ भी बेटा डी के बाद आर, यहाँ पर आई पहले आता तो इसको नंबर पहला। ड्रिंक, ड्रॉप, उसके बाद नाउ, शर्ट और टॉल। तो वी हैव अरेंज दीज वर्ड्स इनटू अल्फाबेटिकल, इसको ऑर्डर में चेंज हमने कर दिया है, ठीक है। मेक टू कॉलम्स इन योर नोटबुक, दो कॉलम्स बनाए। क्लासीफाई, क्लासीफाई का मतलब होता है तरतीब देना। द वर्ड्स लिस्टेड अबव एज वर्ड्स बिगनिंग विद द कॉन्सनेंट्स एंड वर्ड्स बिगनिंग विद द वॉवल्स, तो
हमने एक रो बनानी है, रो में जो वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं हमने एक तरफ लिखना है, जो कॉन्सनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं हमने एक तरफ लिखना है। तो हमने इसी के वो एक नोट्स प्रिपेयर किए हैं, देख लीजिएगा। तो ये हमने लाइन लगा ली, और ये वॉवल्स और ये कॉन्सनेंट ए ई आई ओ यू, तो ये जो है हमारे पास वॉवल्स हैं, तो इसके अलावा जितने भी हैं वो कॉन्सनेंट्स हैं। तो ईयर ई से शुरू हुआ, ओ ऑल ओ से, अंपायर यू से, और इंक भी आई से। इधर कॉन्सनेंट्स में तो आप इस तस्वीर में देखें, ये वाली तस्वीर में देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ब्यूटीफुली एक्सप्लेन आपको करेगा। इधर आपको मिलेंगे वॉवल्स और इधर कॉन्सनेंट्स मिलेंगे, तो इस तस्वीर को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। बैग, नाइफ, पॉट, ड्रिंक, ड्रॉप एंड शर्ट। तो हमने अल्फाबेटिकली इसको अरेंज किया पहले, और फिर इसको अपनी नोटबुक पे लिखने के लिए हमने इसको तरतीब से वहां लिख दिया। मैच द फॉलोइंग। अ थिंग, एक चीज, मेड ऑफ वुड विद टू व्हील्स, एक ऐसी चीज जो बनी हुई है किसकी, वुड मतलब लकड़ी की, विद टू व्हील्स, और उसके क्या है, दो पहिए हैं। तो वो क्या हो सकती है, कॉट। अ थिंग मेड ऑफ मेटल एंड वुड, वो कौन सी चीज है जो मेटल की बनी है और वुड की बनी हुई है। नाइफ, कि आपको बताया कि उसका हैंडल जो है वो वुड का होता है और आगे वो मेटल की होती है। अ थिंग मेड ऑफ कॉटन, वो कौन सी चीज है जो कॉटन की बनी है, शर्ट। अ थिंग मेड ऑफ ग्लास, ग्लास जो है वो मिरर। अ थिंग मेड ऑफ पेपर, तो वो क्या चीज बनी है, बुक जो है हमारी बनी हुई है। तो सबसे पहले कॉट, उसके बाद नाइफ टू पे, उसके बाद मेड ऑफ कॉटन शर्ट आएगी, उसके बाद ग्लास मिरर फोर पे, और पेपर बुक फाइव पे आएगा, ठीक है। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, नेगेटिव्स यानी कि इसको नेगेटिव बनाना है, नॉट लगाना है। एड नॉट टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड यू विल हैव टू चेंज और एड सम अदर वर्ड्स टू। द बॉय वॉज सैड, तो ये दिस इज सिंपल सेंटेंसेस, तो हमने इसको नेगेटिव में चेंज करना है। द बॉय वॉज नॉट सैड। द बॉय टोल्ड द स्टोरी, तो ये बेटा ये सेंटेंस प्रेजेंट इनडेफिनेट का है, सिंपल सेंटेंस है उसका, तो हम इसको डिडंट में चेंज करेंगे। द बॉय डिडंट टेल द स्टोरी। पीपल ईट माई लीव्स, तो ये प्रेजेंट इनडेफिनेट का सिंपल सेंटेंस है, तो इसको डू नॉट में हम करेंगे। पीपल डोंट ईट माई लीव्स। द ट्री लाफ्ड, द ट्री डिडंट लाफ। द टाइगर कॉट होल्ड ऑफ द बॉय, द टाइगर डिडंट कैच होल्ड ऑफ द बॉय, ठीक है। तो वी हैव चेंज सिंपल सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव। स्पीक, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। प्लीज लेट मी आउट, वी यूज पोलाइट वर्ड्स, हमें पोलाइट वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। When, जब we ask for help, जब हम किसी को मदद के लिए कहते हैं। Imagine that you need help to move some books. Make similar speech bubbles in your notebook. तो आपने इस ऐसे बबल्स जो हैं अपनी बुक्स पे क्या कर लेने हैं, आपने बना लेने हैं ऐसे बबल्स। तो फॉर एग्जाम्पल इस बबल को हम रिमूव कर देते हैं, ये टू बबल्स रहने देते हैं। तो ये दो बबल्स अपने नोटबुक पे आप बना लें। प्लीज कैन यू हेल्प मी, तो आंसर दें यस। हाउ कैन आई हेल्प यू, तो ये इस बबल पे ये राइट कर सकते हैं। कैन यू गिव मी योर बुक्स, क्या आप मुझे अपनी बुक्स दे सकते हैं, तो इस वाले बबल पे लिख दें आप।
यस आई कैन, बिल्कुल मैं दे सकती हूँ। तो 1, 2, 3 और 4 बबल आपको प्रिपेयर्ड हो गया। योर टीचर विल मेक अ स्टेटमेंट, आपके टीचर को एक स्टेटमेंट बनानी चाहिए। टर्न द स्टेटमेंट इंटू अ नेगेटिव बाय यूजिंग नॉट, तो आपको क्या करना होगा फिर उसको क्या नेगेटिव में चेंज करना होगा। टीचर को एक स्टेटमेंट बनानी होगी और उस स्टेटमेंट में को क्या करना होगा, नेगेटिव में आपको चेंज करना होगा। देखें, हमने ये एक स्टेटमेंट बनाई हुई है, तो आप ऐसे बनाएं, इट इज, ऐसे ब्रैकेट्स लगाएं, बिग, तो बच्चा लिखेगा इट इज नॉट बिग, दे आर ब्रैकेट्स वंडरफुल डांसर्स, तो दे आर नॉट वंडरफुल डांसर, तो इस तरह उनकी नॉट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। दे आर ब्रैकेट्स ऑलवेज लेट, दे आर नॉट ऑलवेज लेट, दे आर ब्रैकेट्स स्टेइंग हेयर, दे आर नॉट स्टेइंग हेयर, तो यहाँ पे भी आप नोट लगा के इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह की स्टेटमेंट जो है टीचर बना सकता है और उसमें बच्चों को नोट की प्रैक्टिस करवा सकता है। कंपोजिशन, डू यू थिंक द टाइगर ब्रोक आउट ऑफ द ट्रैप अगेन, क्या आप समझते हैं द टाइगर जो है ब्रोक आउट, वो बाहर निकल चुका है ऑफ द ट्रैप फंदे से अगेन दोबारा। हाउ डिड ही गेट आउट, वो कैसे निकला, राइट अबाउट इट एंड ड्रा पिक्चर, तो आप ऊपर देखें स्टेप बाय स्टेप जो है वो टाइगर की तस्वीर बनाई गई है, इस तरह आप टाइगर की तस्वीर बना सकते हैं। और हाउ डिड ही गेट आउट और वो कैसे बाहर निकला, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।